हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि NTUGC नेट KBS NVS TGT फाइन आर्ट ड्राइंग टीचर RPSC HTET किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे हमेशा ही NTUGC नेट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो मैचिंग में या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसे कॉमेंट करें। मेरी फेसबुक ID है फाइन आर्ट गो थ्रू, अगर आप लोग वहाँ चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो ऐप पर भी ID बना के रखी हूँ, जिस पे मैं हमेशा ही इम्पॉर्टेंट तथ्य शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ गैलरी के बारे में और उनके म्यूजियम के बारे में, कहाँ लोकेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। साथ ही साथ NVS का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू डेट आना अभी बाकी है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कोदाइजी सो म्यूजियम कहाँ है, तो ये क्योटो में है और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट दूसरा जो है, ब्रुक म्यूजियम कहाँ है, तो ब्रुक म्यूजियम बर्लिन में है और ये क्वेश्चंस NTA नेट में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। नेक्स्ट है, दी नेपर्स्टेक म्यूजियम कहाँ है, तो दी नेपर्स्टेक म्यूजियम जो है प्राग में है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैं आप लोग को जानकारी के लिए शेयर कर दी हूँ। फिर नेशनल म्यूजियम कहाँ है, तो नेशनल म्यूजियम बैंकॉक में है। हर जगह एक एक नेशनल म्यूजियम होते हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम अपना थाईलैंड में भी है, नेशनल म्यूजियम आपके न्यू दिल्ली में भी है, नेशनल म्यूजियम आप लोग का बैंगलोर में भी है। और मैं आज जैसे कि 15 से स्टार्ट की हूँ, इसके पहले मैं 14 गैलरी और उनके सॉरी नॉट गैलरी उनके म्यूजियम और कहाँ वो लोकेट है इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को भी देख लें, और अगर उस वीडियो पे आप नहीं जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंतिम में मैं उसे क्वेश्चंस आंसर्स के रूप में लास्ट में ऐड कर दी हूँ। तो आइए हम नेक्स्ट म्यूजियम देखते हैं। नेक्स्ट म्यूजियम आप लोग का है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NGMA भी कहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसमें क्वेश्चंस कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि NGMA का फुल फॉर्म क्या है। तो NGMA का फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसलिए इसका फुल फॉर्म याद करना भी बहुत आवश्यक है। फिर NGMA मुंबई में भी है और NGMA बेंगलोर में भी है, बट जो आपको ऑप्शंस में पूछा रहेगा वो दिल्ली ही पूछा जाता है, क्योंकि दिल्ली बहुत रिनाउंड है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से, जिसे हम नगमा भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम नगमा भी कहते हैं। फिर भारत कला भवन आप लोग को पता है कि वाराणसी में है, और भारत भवन भोपाल में है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर भारत कला भवन पूछे तो वाराणसी होगा और भारत भवन पूछे तो भोपाल होगा। ये दोनों में बहुत बार लोग कन्फ्यूज करते हैं और आंसर्स रॉन्ग कर देते हैं। तो जब भी दो चीज़ों का, भारत भवन जहाँ पे BB हो, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पे BB हो उसका आंसर B ही होगा, यानी कि भारत भवन भोपाल, BBB याद रखिएगा। तो भारत भवन भोपाल, ये तीनों चीज़ ही B से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और भारत कला भवन वाराणसी। नेक्स्ट है जगदीश एंड कमल मित्तल म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, जगदीश एंड कमला मित्तल म्यूजियम। अमर महल म्यूजियम ये कहाँ है, तो जम्मू में है। मेहरनगढ़ म्यूजियम एक ट्रस्ट है जो कि जोधपुर में है, बहुत खूबसूरत है, मैं पर्सनली इसे विजिट की हूँ, बहुत सारे आर्टवर्क्स है, साथ ही साथ बहुत सारे जैसे डिश वगैरह का डिजाइन किया जाता है, इंट्रिकेट जाली वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छा है। अगर विजिट कर पाएंगे तो एक बार ज़रूर जाके मेहरनगढ़ म्यूजियम का जो ट्रस्ट है जोधपुर में, उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा, मेहरनगढ़ म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ है, तो चंबा में है। MS यूनिवर्सिटी में भी एक म्यूजियम है, जिसे हम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है वो बड़ौदा में है। इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपके 23 नंबर और 24 नंबर छोड़ के जितने भी मैं म्यूजियम आप लोग के साथ शेयर की हूँ वो सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पुराने वीडियो के बारे में, यानी कि पुराने जो मैं आप लोग के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट गैलरी शेयर की थी, कुछ फॉरेन के गैलरी हैं और कुछ इंडियन गैलरी हैं। और एक और ऐड कर देती हूँ मैं अपने तरफ से, सालारगंज म्यूजियम जो हमेशा पूछा जाता है, तो सालारगंज म्यूजियम भी हैदराबाद में है।
सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। तो देखिए, पहला है द ब्रिटिश म्यूजियम। तो आंसर बताइए, जो अगर वीडियो देख चुके हैं मेरी, उनको पता होगा कि ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है। जिनको नहीं मालूम है, मैं आंसर बता देती हूँ, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। तीसरा है द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम भी लंदन में है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वी एंड ए भी कहते हैं। द चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी कहाँ है? तो डबलिन में है। द रिटवर्क म्यूजियम कहाँ है? कमेंट करें आंसर, ये ज्यूरिच में है। और इसमें से 2, 3, 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्सीगो में कहाँ है? तो पेरिस में है। द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट मोमा के नाम से जाना जाता है, ये न्यूयॉर्क में है। और द ब्रुकलिन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है। द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम कैम्ब्रिज में है। 27 आप लोग को मैं बताई हूँ, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो NVS में इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।